पाऊंगी। मुझे बोलने का हक दिया है, मुझे बोलने का हक दिया है, सच झूठ सब बोल जाऊंगी। मुझे बोलने का हक दिया है, झूठ सच सब बोल जाऊंगी, और जो ना सुनी ना मेरी तो फिर बेफिजूल तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। जो ना सुनी ना मेरी तो फिर बेफिजूल तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। और जो तुमने अपनी चलाई ना ज्यादा तो जो तुमने अपनी चलाई ना ज्यादा तो बिना बात तुम पे पुलिस स्टेशन का केस ठुकवाऊंगी। दो चार आंसू मगरमच्छ वाले बहाऊंगी और भरे बाजार में फिर पूरी जनता से तुम्हें पिटवाऊंगी, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ। हैशटैग मीटू लगाऊंगी। जो तुमने मेरी बात मत मानी, मुझ पे रोक टोक लगाना भी मत, मुझ पे रोक टोक लगाना भी मत, मैं हैशटैग मीटू लगाऊंगी। जो तुमने आज तक इज्जत कमाई है ना, एक हैशटैग में यूं सारी मिटाऊंगी, कि एक हैशटैग में यूं सारी मिटाऊंगी। कि नारीवाद नारीवाद क्या लगा रखा है, चलो उसका सच बताती हूँ। ये नारीवाद नारीवाद क्या लगा रखा है, चलो इसका आज सच बताती हूँ। ये जो ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है ना फेमिनिस्ट, इसका आज असली मतलब बताती हूँ। ये जो ढोंग रचा रखा है पूरे संसार में तुमने, ये जो ढोंग रचा रखा है पूरे संसार में तुमने, इससे आज पर्दा उठाती हूँ कि ये कोई लड़ाई नहीं है। फेमिनिज्म होना कोई लड़ाई नहीं है, ये मर्दों का पुरुषों की एक एकता का फरमान है, कि मर्दों और पुरुषों की एकता का एक फरमान है कि सब एक बराबर हैं, कि सब एक बराबर हैं, ये बस उसकी एक पहचान है। फेमिनिज्म होना सिर्फ उसकी एक पहचान है। कि छोटी सी बात है, छोटी सी बात है कि माँ की साड़ी से बाबा की दवाई तक, कि माँ की साड़ी से बाबा की दवाई तक, बच्चों की पढ़ाई से बहन की सगाई तक, वो ना जाने हजार जिम्मेदारियां कंधों पे लिए फिरता है, वो दो रोटी शौक से नहीं खाता, वो इतनी फिक्र तुम्हारी करता है। जी हाँ, तुम्हारे पिताजी, आप उनके लिए फिर फेमिनिज्म यूज कीजिए ना। कि माँ की नई साड़ी से बाबा की दवाई तक, बच्चों की पढ़ाई से बहन की सगाई तक, वो लड़का हजार जिम्मेदारियां कंधों पे लिए फिरता है, वो दो पल की रोटी सुकून से नहीं खाता, वो इतनी फिक्र तुम्हारी करता है। और इस फेमिनिज्म के तूफान को जरा धीमा कीजिए, वो भी तो एक इंसान है जनाब, उसका भी तो हाल जान लीजिए। वो भी तो एक इंसान है जनाब, उसका भी तो हाल जान लीजिए। और इस फेमिनिज्म की चीख में हम पुरुषों की आवाज़ दबाते हैं, उनकी भी तो कुछ भावनाएं हैं जो उनके अंदर ही हम दफनाते हैं। फेमिनिज्म की चीख में हम पुरुषों की आवाज़ दबाते हैं, उनकी भी कुछ भावनाएं हैं जिन्हें उनके अंदर ही दफनाते हैं। कि सोच को बदलो, सोच का बदलो, सबका यही नारा होता है ना, हम हर जगह हैशटैग लगाते हैं कि प्लीज चेंज योर मेंटेलिटी, प्लीज चेंज योर मेंटेलिटी। कि सोच को बदलो, सोच को बदलो, सोच को बदलो, सोच को बदलो, इसको नारा लगाते हो तुम, खुद से शुरुआत नहीं करते, सारा दोष पुरुषों का बताते हो। कि ये बलात्कारी घिनौने दरिंदे हैं, पुरुषों की बात हो रही है, ये फेमिनिस्ट जो होते हैं ना वो यही शायद शब्द यूज करते हैं कि ये बलात्कारी घिनौने दरिंदे हैं, हम सारे पुरुषों को एक आंख में आंकते हैं, हम एक बात में आंकते हैं कि ये दरिंदे घिनौने बलात्कारी हैं, हम सबको एक ही बात में आंकते हैं, अरे महात्मा रविंद्र और बोस भी तो पुरुषों की सूची में ही आते हैं। धन्यवाद।